hundreds of heavy vehicles remain stranded near Jatinga. As the condition of the road connecting Barak Valley with Meghalaya continued to deteriorate, hundreds of vehicles began to pass through the Mahasau by National Highway 54E and National Highway 27. Since the stretch between Jatinga and Harangajau is under construction and at some locations, vehicles, particularly the heavy ones, have to pass with great precautions, which again causes difficulties in the ongoing construction work. Considering the plight, the Mahasau police have restricted the movement of heavy vehicles within time frames. Since hundreds of heavy vehicles have to remain stranded for hours due to the restrictions, the private vehicular are advised to move these roads cautiously and judiciously. Jatinga se Harangajau ka beach ke liye ek jo hai 20 minute beach mein kafi zyada jo bhi recently jo barish hua us waqt rasta kharab ho jane ki wajah se jo hai restoration ka jo kaam jo hai chal raha hai aur ek taraf construction chal raha hai uski wajah se jo hai बहुत सारे जगहों पे अभी जो है बहुत सारे लाइन जो है रोड का जो लाइन जो है काफ़ी सारा खराब हो जाते हैं बीच बीच में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ का जिस तरह सा एक मॉर्निंग को और सुबह शाम को जिस तरह एक उसको एक नियम बना दिया गया कि सुबह से जब आप सिलचर से आप हाफलोंग आते हैं तो आप सिर्फ आ पाएंगे जो हैवी व्हीकल है और बाई आफ्टर 12 जो है आफ्टरनून का शाम 5 बजे तक जो है जटिंगा से सिलचार की ओर आप जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ताकि कोई ट्रैफिक ना हो। और यहाँ पे हमने देखा कि इस बार जो है जो रिसेंटली बारिश के कारण बहुत सारा जो डिमरू चौरा से लेकर के विवेक चौरा से लेकर के डिमरू चौरा और आसपास का जो जगह पे जो काफ़ी ज़रा से जो है कलबर्ट टूट गया था, जो उसकी मिट्टी चला गया था बारिश के कारण, उसकी वजह से फुल्ली रेस्टोर नहीं हो पाया है। तो उसकी वजह से उसके लिए जो हैवी व्हीकल है और एक तरफ हम देखें तो बाया गुवाहाटी होकर के अगर मेघालय का जो रोड है जो जिस इस सिलचर होकर आते हैं वो रोड भी पूरी तरह से ख़राब होने की वजह से जो है इन दिनों जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है हैवी व्हीकल जो यहाँ पे इस रास्ते से जाते हैं जो NH-54 होकर या फिर NH-24 होकर के उस वक्त देखने को मिला। जो है जो NH-27 जो है अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए पुरानी रूटों को ही जो है इसको एक इसी रास्ते से जाते हैं और रोड जो है छोटा होने का वजह से काफ़ी ज़्यादा रास्ता पर लोगों को दिक्कत हो जाते हैं। उसके लिए यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इस रूट को सुबह और शाम के लिए एक अलग अलग जो है टाइम बांध के दे दिया है कि हैवी व्हीकल का स्पेशली हैवी व्हीकल जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं बड़े नाइट सुपर से लेकर के जो पैसेंजर बस होते हैं उन सभी को जो एक टाइम बांध दिया गया है सुबह को। अगर आप सिलचर से अगर हाफोंग तरफ आते हैं या फिर गुवाहाटी और जाते हैं तो सुबह को आप आना पड़ेगा और बिफोर 12 को और आफ्टर 12 यहाँ से एक जो है जटिंगा से सिलचर की ओर गाड़ी छोड़ दिया जाएगा। उसी के लिए यहाँ का लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इन दिनों जो है थोड़ा बहुत तकलीफें मिल रहा है, क्योंकि रास्ता ख़राब हो जाने की वजह से जो है सिलचर से गुवाहाटी जो बीच का जो रास्ता जो है चुनीपुर एरिया वो रास्ता जो ख़राब हो जाने की वजह से इसी रूट को काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहा है और स्पेशली हैवी व्हीकल इसी रूट को ही बाया हाफलों होकर के जटिंगा होकर के सिलचर जाते हैं हरंगजा होकर के। इसीलिए यहाँ पे थोड़े बहुत ज़्यादा यहाँ का लोगों को जो है दिक्कतें झेलना पड़ रहा है और कुछ गाड़ियाँ जो है 1 से 10 घंटे 12 घंटे जो है एक ही जगह पर रुकना पड़ रहा है।